तो दोस्तों एक और नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, जिसमें मैं आपको ज्योमेट्री के बहुत ही बेहतरीन पार्ट कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सर्कल से रिलेटेड जो एंगल होते हैं वो आपको कैसे फाइंड करने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। मैंने दोस्तों आपसे पहले ही बोल दिया था कि भाई स्मार्ट बोर्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको स्मार्ट कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, स्मार्ट पैटर्न आपको बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझना है, धीरे धीरे आराम से चीजों को समझेंगे और सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम चुटकियों में सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि अगर आपको थ्योरम समझ में आ जाती है तो दोस्तों आसान हो जाता है किसी भी एंगल को फाइंड करना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं सीधे व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पे चार केस आपको दिखाई दे रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड और केस नंबर फोर्थ। और चारों में दोस्तों एक एक सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, टेढ़े हैं, इस पर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम गोल इतना नहीं बना पाए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इन सभी में कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताने वाले। देखिए केस फर्स्ट में ध्यान से समझना है, अगर आप ध्यान से समझ पाए तो चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल आपको लगने लगेंगे। देखिएगा, सपोज कीजिए मैंने यहां से एक कॉर्ड बना दिया, क्या बना दिया, ये एक कॉर्ड, कॉर्ड आप जानते हो जीवा, एक मैंने कॉर्ड बना दिया, ठीक है, एक कॉर्ड मैंने बना दिया। अब इस कॉर्ड को आप ए बी कह सकते हो, एम एन कह सकते हो, पी क्यू कह सकते हो। अब देखिएगा केस फर्स्ट कहता है कि अगर किसी जीवा, ध्यान से सुनना, हिंदी में मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर किसी जीवा से पृथ्वी पर कोई कोण बनाया जाएगा, एक ही जीवा से, ठीक है, कितने भी कोण क्यों ना बनाए जाए वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, देखिए अगर इस कॉर्ड से मैं पृथ्वी पर इसका इस पर के पेरीमीटर की जो होती है सर्कमफेरेंस हमारा जो होता है उस पर अगर मैं कोई एंगल यहाँ पे बनाता हूँ, मेरी इंग्लिश थोड़ी कम है तो इंग्लिश में आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में समझ लीजिए, ये पृथ्वी होती है, ठीक है, इस पृथ्वी पर कोई इस कॉर्ड से एंगल बनाया जाएगा, सपोज कि यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया, या फिर एक एंगल और हमने यहाँ से यहाँ तक मेरिडियन बना दिया, सपोज कि हमारा एक और मन कर दिया कि भैया एक इस कॉर्ड से एक एंगल और बना देते हैं, तो इस कॉर्ड से जितने भी एंगल हमारे बनेंगे, सपोज कीजिए ये एंगल होता हमारा ए, ठीक है मेरे भाई, ये एंगल होता बी, ये एंगल होता सी, ठीक है, तो सभी कॉर्ड, सभी जो एंगल होंगे वो क्या होंगे मेरिडियन, बराबर होंगे, क्या होंगे मेरिडियन, बराबर होंगे। ध्यान से समझना है कि यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, ठीक है, मतलब एक ही कोण से पृथ्वी पर बनने वाले कोण, मतलब एक ही जीवा से पृथ्वी पर बनने वाले कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, ठीक है, ये तो कोण की बात हो गई, क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी दोस्तों आपको आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि समझ में ना आ रहा हो, समझ में तो आएगा भैया, हम समझाते हैं इसे। देखिएगा दूसरा, आप डायमीटर जानते हो भाई, व्यास, ये व्यास हो गया, ठीक है, आप डायमीटर जानते हो भाई, सब जानते हैं डायमीटर में जानने में क्या है। अब देखिए अगर डायमीटर से मतलब व्यास से पृथ्वी को टच करता है कोई कोण बनाया जाए, ठीक है, व्यास से बनाया जाए, किससे बनाया जाए मेडियर, व्यास से, डायमीटर से, सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कमफेरेंस ही इसको बोलते हैं भाई, इंग्लिश में थोड़ा कमजोर, मैं आपको सब कह लेंगे पृथ्वी, ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, पे अगर कोई एंगल यहाँ पे बनाया जाता है, सपोज कीजिए हमने एक ये बना दिया, सपोज कीजिए हमारा मन किया तो हमने एक और यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों एंगल बनेंगे एंगल बी और एंगल ए, वो दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री यहाँ पे होंगे, जरूरी है दो बने, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर वृत्त के व्यास से पृथ्वी पर बनाया गया कोई कोण होगा तो वो 90 डिग्री का होगा। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया, अब केस थर्ड की बात करते हैं। अब देखिए केस थर्ड में हमको देखना है, एक बार तो देखना है माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, सॉरी सेक्टर नहीं, माइनर आर्क, और इसमें देखना है माय डियर मेजर आर्क। आप कहेंगे सर आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप इंग्लिश में लिखना पड़ेगा भाई, आपको समझाना है, ठीक है, अब इसको हिंदी में बता देते हैं, इसको तो बोलते हैं माय डियर
लघु चाप, क्या बोलते हैं लघु चाप, ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, क्या बोलते हैं माय डियर, दीर्घ चाप बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एसएससी बहुत टाइम से पूछ रहा है और आपसे पूछता हुआ आ रहा है, तो सभी चीजें आपको तभी तो क्लियर होंगी तब हम आपको समझाएंगे। अब देखिएगा, ध्यान से आपको समझना है, मैंने कहा माइनर आर्क, लेकिन माइनर आर्क की हम क्या कर रहे हैं, बात यहां पे कर रहे हैं, तो क्लियर हो जाए सभी चीजें। देखिए सेंटर पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सेंटर पे, ठीक, हमने यहां से कोई आर्क चाप लगाई, ये इससे छोटी भी हो सकती है, तो माइनर आर्क मतलब लघु चाप का मतलब होता है जो कि 180 से कम, ठीक है, ये होती है 180 से माय डियर कम, ऐसे लिखते हैं, कितना अच्छा लगा, 180 से कम जो बुकों में लिखा होता, तो यहां ये जो होगा आपका, ठीक है माय डियर, ये जो होगा ये वाला जो, ठीक है। अब देखिए इसी आर्क से, ध्यान से देखिए, इसी आर्क के कोण से अगर परिधि पर कोई कोण बनाया जाए, सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये होगा इसका डबल, ये होगा डबल, अगर ये थीटा है तो ये टू थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये टू थीटा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, बात ही समझ में, माइनर आर्क होता है 180 डिग्री से कम, बात क्लियर हुई। अब देखते हैं मेजर आर्क, ध्यान से समझना, अब मेजर आर्क बनेगा तो 180 डिग्री से ज्यादा का बनेगा, कि 180 डिग्री से क्या हो जाएगा माय डियर, ज्यादा हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा ये ज्यादा हो गया, आप कहेंगे सर आपने तो उल्टा बना दिया इसी को, तो ये वाला अगर मैं केवल इसी को बनाता तो ये बाहर वाला, इसको रहने देता, ये बाहर वाला आपका क्या होता, मेजर होता, और ऐसे ही हम थोड़ा स्टेड़ा होता कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला आपका क्या होगा मेजर आर्क होगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर बनने वाला, ध्यान से देखिए इसके अंदर यहाँ पर बनने वाला, ठीक है, जो कोण होगा परिधि पर, क्या होगा परिधि पर जो कोण बनेगा वो इसका क्या होगा हाफ होगा, इसका हाफ मेजर का, ठीक है, जैसे ये इसका आपका तो इसका हाफ ये होगा, ठीक है, अगर ये थीटा है माय डियर तो ये कितना हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा, रूल आपको ध्यान रखने हैं, बात क्लियर हुई कि नहीं, एक बार रिपीट करा देते हैं, फिर सेकंड एक केस और है, केस नंबर 5, सभी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी, देखिए एक एक करके हम सभी को यहाँ पे क्लियर कराने वाले हैं। देखिए केस फर्स्ट में है कि अगर किसी जीवा से परिधि पर कोई कोण बनाया जाता है, उसी जीवा से चाहे कितने भी कोण क्यों ना बनाए जाए परिधि पर, वो सभी बराबर होंगे, जैसे ये बना दिया इसी कोण से, ये बना दिया सर्कमफ्रेंस इसी कोण से, ये बना दिया, बात की बेहतर। दूसरे को देखिएगा भाई, अगर व्यास से, व्यास जानते हो ना कौन सेंटर से जाता है, जो लाइन जो जाती है वो आपकी डायमीटर कहलाती है व्यास, अगर व्यास से परिधि पर कोई कोण बनाया जाएगा तो वो 90 डिग्री का होगा, बात क्लियर होगी। तीसरा केस था माइनर आर्क, मतलब ऐसा कोण जो 180 डिग्री से कम होता है सर्कल में, वो परिधि का 2 गुना होता है, चाहे वो मेजर आर्क हो जो 180 डिग्री से ज्यादा हो तो वो भी परिधि से कितना होता है 2 गुना, सर्कमफ्रेंस से वो डबल एंगल होता है, सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल है उससे क्या होता है डबल होता है, बोलने में थोड़ा हो जाता है भाई, अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हम स्टूडेंट हैं, लोग क्या आपको पढ़ा रहे, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। एक केस और है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आपको इसको हम रफ करना चाहेंगे, आप स्किल फॉल हम हट ही जाते हैं, स्किल फॉल ले लीजिए भाई, पहले ले लिया, अब हम इसको रफ कर देते हैं, और रफ करेंगे फिर आपको समझाएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए वो क्या है, ठीक है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, ऐसा ना सोचिए मैंने कह दिया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जानते हो, जैसे इम्पोर्टेंट शूज होते हैं, इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट कपड़े होते हैं, तो ऐसे इम्पोर्टेंट रोल भी होते हैं, ठीक है, देखिएगा जान से आपको समझना है, कुछ नहीं एक ही सर्कल से हम समझा देंगे, क्योंकि भैया हम बात किसकी कर रहे हैं, खांसी आ गई हमको, पढ़ाते पढ़ाते देखिएगा,
हम किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, मेरी चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है। अब इसको समझना पड़ेगा, है तो कुछ नहीं इसमें वैसे समझने के लिए ज्यादा। अब हम देखते हैं गोल बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बना, कितनी भी कोशिश कर लो गोल तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। देखिए इसका मतलब है कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है इस तरीके से, ऐसा भी हो सकता है वो हमारा, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा पैटर्न यहां पर याद रखना है, ठीक है, देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये सामने वाले अपोजिट एंगल 180 डिग्री के होंगे, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको किसी ने शायद ना बताया हो, देखो कि क्लासेस में ही टीचर बताते हैं उसको, पेड जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर फ्री में नहीं बताते, आता सबको है, ठीक है, सोचते हैं भैया इसी में बता दिया तो क्या हो। देखिएगा कुछ नहीं, यहाँ पर दो चीजें बताएंगे, एक नहीं बताएंगे दो बताएंगे। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए कोई एंगल हुआ अल्फा, तो ये वाला भी होगा अल्फा, मतलब बाहर बाहर वाला आप कह सकते हो, ये वाला इसके बराबर होगा, अगर ये बीटा है तो ये भी कितना होगा, मैडियल बीटा होगा, इसको समझ लीजिए और कुछ नहीं है। दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर साइड की बात करें, इन साइड की, तो इसके लिए भी छोटा सा रूल होता है, जैसे मैंने कहा ए बी इंटू सी डी, देखिए ए बी सामने सामने वाले को लीजिए, ए बी इंटू सी डी प्लस होगा, सॉरी बराबर लग गया, प्लस बोल रहा हूँ, देखिए बराबर लग गया, कैसे कैसे हो जाती है गलतियाँ छोटी छोटी, दोबारा लिखेंगे उसको। देखिए ए बी वही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरा कुछ लिखेंगे, ए बी इंटू, दोबारा लिखिए, क्यों लिखेंगे, अब आप कहेंगे सर बार बार भूल तो नहीं गए, भूला तो नहीं, भाई जगह नहीं इतने, यहाँ पे आएगा लंबा है ना, यहां पे आ गया, देखिए ए बी इंटू सामने वाला सी डी प्लस ए डी सामने सामने वाला ए डी इंटू बी सी, ये जो बराबर होते हैं वो दोनों डायगोनल के मल्टीपल के बराबर होते हैं। देखिएगा ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी, इसको आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है, ये बातें यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो इतने रूल बहुत हैं आपको सर्कल से रिलेटेड एंगल्स को करने के लिए, ठीक है। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम समझाने वाले हैं, देखिए। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दो कि स्क्रीन पर नहीं व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है, क्वेश्चन दिखाई देने होंगे। भैया हमने पहले ही कहा था स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हम ऐसे बना बना के आपको समझा सकते हैं, देखिए का, ठीक है। आपको यहाँ से एक्स फाइंड करना है, आपको पता है कि ट्राइंगल जो होता है, देखिए जस्ट इन सेकंड कैसे सॉल्व कर दो वही मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा झमेला नहीं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी ऐसे लिख के क्या जरूरत है भैया, कंपटीशन में सीधा सीधा कीजिए। देखिएगा मुझको पता है कि अगर दो एंगल हमारे यहाँ पर होते तो मैं इसको आसानी से फाइंड कर लेता, ठीक है, देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एंगल के ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
अब देखिएगा ये 50 है, ये एक्स, ये भी तो हमें चाहिए, और हमको पता है, मैंने आपको पहले बताया था थ्योरम, अगर डायमीटर से पृथ्वी पर कोई कोण बना है तो 90 डिग्री का होता है। देखिए आ गया, अब ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो दोनों को जोड़ लें, 140, 180 मीटर घटा देंगे तो एक्स भी आ जाएगा, तो माय डियर एक्स कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ गया आंसर। बताइए कितना टाइम लगा इसमें, आप देखना है। देखिए अब यहाँ देखिए ये 25, ये 25 को कैसे करें, बड़ी समस्या हुई है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको पता है, जैसे कि मैं आपको एक सर्कल के जरिए समझाना चाहूंगा। देखिएगा मैंने कहा कि ये जो सेंटर है यहाँ से मैंने लिया और एक यहाँ से मैंने लिया, तो ये दोनों साइडें बराबर होगी, ये भी आर है ये भी आर है, तो सपोज कीजिए ऐसे में लाइन बनाओ, देखिए इसी को टुकड़े को काटा है, अगर मैंने कह दिया ये 10 है तो नीचे वाला भी 10 होगा, क्योंकि सामने वाले साइडें बराबर हैं तो सामने वाले कोण भी यहाँ पे बराबर होंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, बात है समझ। अब देखिएगा ये 25 है और यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रेडियस है, ये 25 है तो सामने ये भी 25 होगा ये वाला, और ये 20 है तो ये सामने वाला भी 20 होगा, ठीक है। आपको पता है इसका ये डबल होता है कि सेंटर से लव माइनर सेक्टर का जो एंगल होता है वो चाप से डबल होता है, तो ये यहाँ पे हो गया 45, तो 45 का डबल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ गया आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, आपसे मैंने अभी तक नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए, तो आपका तो फर्ज बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। देखिए अब पैसे मैं आपको कहूँ कि इसको निकालेंगे कैसे, तो मैंने आपको एक शॉर्ट पैटर्न यहाँ पे बता दिया था, क्या बता दिया था कि मुझे पता है कि एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री यहाँ पर हमारे होंगे, क्या होंगे बैठे, 180 डिग्री यहाँ पे हमारे होंगे, बात को समझना, ठीक। देखिए ये यहाँ पे जो है पूरा एंगल है, यहाँ पे पूरा है, ठीक, ये पूरा आपको बताना है एक्स क्या होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, मैंने आपसे पहले ही माय डियर कह दिया था, ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे, अगर ये 30 है तो ये भी आपका कितना होगा माय डियर, 30 होगा, बार बार वाले अल्फा अल्फा जो मैंने आपको बताया, ये 30 और ये 50 कितना होगा, 80, ये दोनों मिला के कितने होते हैं 180, तो यहाँ से जो x आएगा वो आपका देखिए 80 हो गया, बाकी का बचा कितना 100, तो ये आपका 100 आ जाएगा, आप ये 100 ना मानिए नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, ये है मेजर सेक्टर वाला, मैंने आपको बताया था मेजर सेक्टर वाला, ये वाला ठीक है, ऊपर उल्टा करके बताया था ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो कोण होता है इसका डबल होता है, तो हमारे पास ये नहीं, तो हम क्या करेंगे इसकी वजह इसको निकाल देंगे, तो अगर ये निकल आया तो इसका ये हाफ होगा, तो इसको निकाल देंगे, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो 136 जाएगा, 360 में से 224 बचेगा, ठीक है, ये इसका आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 112 है माय डियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा सा अगर आपको स्लो समझना है तो स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब में सिस्टम है, नहीं समझ सकते दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, बार बार पे चीज़ों को रिपीट कराएंगे तो करना होता है, मेरे जीवन में क्या क्या हमको मिलता है। भगवान एक गाना सुनाने का मन कर रहा है लेकिन सुनाएंगे नहीं भैया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, गाना सुनाएंगे तो क्या होगा, चार क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है, एक हमारा पांचवा क्वेश्चन हम आपको यही चित्र बनाएंगे उसका भी जस्ट इन सेकंड और सॉल्व भी कराएंगे जस्ट इन सेकंड, देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सर्कल हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, देखिएगा यहाँ से ये किया है इस तरीके से और यहाँ से ये जा रहा है इस तरीके से, गलत बन गया, दोबारा रफ करके बनाते हैं, ये बनाने वाली बड़ी समस्या है, देखिएगा
अब बनाएंगे अच्छे से, सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया, ज़्यादा हो गया यहाँ पे, हाँ ये भी ठीक है, यहाँ से ये लाइन गई ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये गई ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये आई ऐसे, और यहाँ से ये आई ऐसे, और यहाँ से ये गई ऐसे, और ये हो गया टट 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 चक्रीय चतुर्भुज ऐसे। इसमें एंगल आपको ये दिया है 98 डिग्री, आपको दिया है यहाँ पर 35 डिग्री, ठीक है मेरे लिए, और आपको फाइंड करना है ये वाला। अब ध्यान को समझिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है हमको। देखिए हमको ये निकालना है, तो ये यहाँ से देखिए ट्राइंगल कौन सा बनना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल बन रहा है, और हमको पता है अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए और ये वाला आ जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। ध्यान से समझना, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम इसको देखें, ध्यान से समझना है इसको, देखिए यहाँ से ये डायमीटर है क्योंकि सेंटर से जा रहा है, उसे ये डायमीटर है आपका, ठीक है, इसको आप ए बी सी डी कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको एंगल फाइंड करना है। ये डायमीटर है और डायमीटर से सेंटर पे बनने वाला ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए ये 90 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये ट्राइंगल बनना है यहाँ से अंत, ठीक है, तो ये 90 हो गया, 35 हो गया, ये कितना हो गया 55, ठीक है। अब देखिएगा एक एंगल ये आ गया, एक ही आ गया, तीसरा आ गया, तो तीनों का टोटल 180 होगा ना, ये 98 है, तो बाकी का बचा हुआ ये कितना होगा, ठीक है, 82 होगा। देखिए अब इस तरीके से ये ट्राइंगल हमारा निकल के आ चुका है ये वाला, तो ये वाला जो एंगल आया वो 55, ये वाला आया आपका 82, और आपको ये फाइंड करना है। आपको पता है तीनों का 180 होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 55 प्लस 82, ठीक है, ये हो जाएंगे 137, ठीक है, तो 180 माइनस का 137 आपका आंसर आ जाएगा 43 डिग्री, ठीक है मेरे डियर, ये मैंने लिख के आपको समझा भी दिया, 55 है बीच में, ठीक है, तो क्रॉस से आपको लग रहा है, बात आई मेरे डियर समझ में, दोबारा रफ करके भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 55 स्क्रीन शॉट लिया तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए, फिर तो कोई स्क्रीन शॉट आपके देख लेगा मोबाइल में, कहेगा यार इसने क्या समझा, टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके लाइंस एंड एंगल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंगल रिलेटेड टू सर्कल, इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो जाती है, तो आपसे माय डियर रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।